सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आप। नमस्कार जी, मैं नवजोत सिंह, कैमरामैन शिशपाल जी के साथ एसबी न्यूज हिसार से। और आज बड़े खुशी का टाइम है जी, मेरे साथ बैठे हैं जी गुरचरण सिंह बाबा जी, और जो कि बहुत ही मानवता भलाई के काम करते हैं और गुरसिक्खी के प्रचार के लिए जगह जगह घूमते हैं, और चक्रवर्ती कौम में से हैं बाबा बुड्ढा दल जी से। बाबा जी वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। बाबा जी, बाबा जी कैसा लगा जी तुहानू साडे स्टूडियो च आके? बहुत वधिया लगा जी तुहाडे स्टूडियो च। तुहाडी टीम दा असीं बहुत ही धन्नवाद करदे हां जिन्होंने सानूं मौका दित्ता अपने चैनल ते बोलण दा, ते तुसीं अपना सवाल कर सकदे हो जो भी सानूं करना। पहला तो बाबा जी असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं अपने कीमती टाइम विचों टाइम कढ़िया, और तुसीं अज जयपुर जा रहे सी ते रास्ते च साडे कोल हिसार रुकिया साडे कहण ते, ओले तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद बाबा जी। बाबा जी मेरा सवाल तां मुड़ घड़ के उही है जी कि गुरसिक्खी किधर जा रही है अज दे डेट च? जमाना मॉडर्न हो रहा, ठीक है जी, गुरसिक्खी नूं असीं भुल रहे हां, गाने याद कर रहे हां, और जिहड़ी साडी कच्ची बाणी वध रही आ, असीं जिहड़ी गुरुआं दी लिखी हुई बाणी नूं भुल के कच्ची बाणी नूं पढ़ रहे हां, उहनूं गीतां विच लिजा रहे हां, उहदे नाल की गल नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान तां जी बहुत ज़्यादा हो रहा, इह साडी कौम नूं हो रहा, सिख कौम नूं हो रहा, पर असीं निरापुरा अपने बच्चों को दोष देने की बजाय कुछ सानू जो बडारूआ घर आपो अपने बच्चों संभालने वास्ते, अगर जिमीदार अपनी खेती नहीं सामभूगा तो दूसरा तो सामभ तो रहा आके। बिल्कुल जी, तो सानू बच्चों सामभ वास्ते कुछ बडारूआ जागना पेगा, तो कुछ सानू डेराबाद का खेड़ा छड़ना पैना, क्योंकि साड़ी सिक्खी दूर करने वास्ते एक गौरमेंट ने सानू 1919 तो बाद श्रोमणी कमेटी के लागू होने बाद ही एक डेरिया का बहुत तकड़ा रुझान चलिया, जिदे सिख संत पैदा किए, उन्होंने उन्होंने सिख संत पैदा करके अंग्रेजा के राज दे विच हर एक सिंह जिहड़ा भी अंबर सकता थी उस समय च तां वह पूरे ककार पहनता थी, जिस तरह अज गुरु की लाडली फौज निहंग सिंह सज के रहिंदे ने, हर टाइम बड़ा शस्त्र रखते सीगे अपने कोल। अंग्रेजा ने सोचा भी असीं तां राज लै नहीं सकते इन्हां तों, इस तरीके नाल इन्हां ने विच कोई संत डम बाड़ के साडे जिहड़े वड्डे ककार ते उह लुहाते साडे तों, सानूं इत्थे तिकर कहता भी इह ककारां दी लोड़ नहीं, अमृत तुहाडे अंदर है, साडा जो लाणा दी तुर पिया उहनां दे मगर लग के संतां दे उहनां दे कारज चढ़दे चले गए, साडे वाले डुब्बदे चले गए, जां ककार जां सिंगार एक औरत का संगार ये लै गया तो वह विधवा का रूप बन जाती है, साड़ी सिक्खी नूं विधवा बनाउण दे विच बहुत वड्डा ज़्यादा संत डम का हाथ है। तो आने वाले समय च साडा ये जोर लग्या है भी भाई असीं आने वाले बच्चों सांभीए, उन्होंने अमृतधारी बनाईए, गुरसिक्खी नाल जोड़िए, आ तुहाडे सामने ज्यौंदी जागदी मिसाल बैठी है। मैं शिशपाल जी कहूँगा इधर भी लो कैमरा। हाँ जी बाबा जी, ये ज्योंदी जागदी मिसाल बैठी है, ये बच्चा सानू कुछ देर पहला यूपी चों बिलोंग करदा मिलिया सीगा, साडी संगत करके अज ये रूप दे विच तैयार पर तैयार बैठा है, ते तुसीं देखिया ही इहदा चेहरा तैयार पर तैयार। जे अगर असीं हर एक सिंह अपने अपने दायरे च रह के पंज सिंघां नूं भी तैयार करे तां असीं फिर भी कदे मार नहीं खा सकते, क्योंकि सानू अपने घर का चौकीदार खुद ही करना पैना, ना कि किसी ने करना, ना ही साडी किसी ने बाह फड़नी है, सानू खुद अपना तैयार पुर तैयार रहना पैना, तो अपनी आने वाली पनीरी नू सांभना पैना। अज एक नवा रुझा चलिया जिहड़े कि कपड़े औरतां पाउंदियां थीं वह मुंडे पाउण लग गए ने, जिहड़े मुंडे पाउंदे ते वह कुड़ियां पाउण लग गईआं ने, अज कुड़ियां ने बालियां कढ के पैंटां पा लीआं ने, ते जिहड़े नवें नौजवान ने उन्होंने बोधे चंगे कटा के ते कन्नां च बालियां पा लीआं ने। इहनूं फैशन दा रूप दस्सिया जांदा जी, इहनूं फैशन दा रूप दस्सिया जांदा। असीं सुरेंद्रपाल सिंह प्रिंसीपल जी अपने सिख फलवाड़ी तो ने, उन्हां नाल भी साडा बड़ा प्रेम आ, ते उन्हां नूं भी असीं इंटरव्यू दे विच प्रैक्टिकल तकरीबन करके ही दिखाया थी आनंदपुर साहब की धरती से, वो सानूं पुछण लगे भी बाबा जी बालियां किदां लवा दिंदे हो, कुदरती दो सिंह साडे कोल आ गए, सिंह तां खैर किहड़े सीगे, उन्होंने बालियां पाईआं मुंडे सिंघां दे सीगे, ते जदों उह आए असीं उन्हां नाल दो बचन कीते भी भाई आनंदपुर साहब की धरती ते खड़े हो तुसीं, जे तां गुरु नूं सच मानदे सानूं एक सैकंड जवाब दे दिओ, पढ़े लिखे हैगे असीं, उन्हां नूं इक्को ही सवाल पुछिआ भी भाई किन्नी संगत खड़ी आ तुसीं सच बोलोंगे, उह कहिंदे जी बिल्कुल सच बोलांगे। मैं उन्हां नूं इक्को ही साबत कहा, मां भाई तुसीं औरतों जां मर्दों, हाँ जां ना, उत्थे उन्हां नूं कहना पिआ भी हाँ असीं मर्द हां,
फिर असी वचन किया भी जो मर्दा का मर्द वाले काम करोगे कहते जी करा मैं भाई आ तीवी वाली बालियां ला के पर चटो अज तो बाद मुछदाड़ी रखो मर्द बनो क्योंकि मर्द के जामे च आए हो महाराज के तुम मर्द बन के जीना सीखो जे तुम जनानियां बन के तो जंग कौन लड़ूगा सिखा दे मुंडे हो तीन तो इदा के प्रचारों असी डायरैक्ट फेस टू फेस हो के काफ़ी सिंघा दिया बालियां लवा के जिन्हों के पिछों काफ़ी सिंह बन चुके ने ते चंगे कर्म कर रहे ने चंगे अगे सिखी नूं बिलोंग कर रहे ने अगे जथे बना के अपना अपना कार्य कर रहे ने। ते बाबा जी जो सी एक नशेड़ी नूं नशा छड़ांदे हो बहुत वधिया गल आ तुसी किन्ने परसेंट सहमत हो कि तुहाडे विचारां उपर उन्हें आके अमृत छक लिया? ठीक है जी, गल सोचण वाली भी है बाबा जी। तुहाडे कहण ते मैं अमृत छक लिया, मैं अपने ते ले लैना। ठीक है जी, जोश में आ गया, मैं देखिया भी तुसी एक मैं लैक्चर दिता, वह लैक्चर प्रभावित होकर मैं कुछ टाइम लई अमृत छक लिया। किन्ने क परसेंट लोग तुसी इस चीज़ में भी सहमत करोगे, 100 किन्ने परसेंट रात में रहेंगे? ठीक है, जिस तरह की हवा चली हुई है। ये तुसी बहुत ही वधिया सवाल किया, ये तकरीबन असी बहुत जगह आप भी सवाल करते हैं क्योंकि संत डम बिल्कुल हर एक नगर च जाता। मैं एक नगर के 5 साल देखता रहा, हर साल संतान ने आना 700 to 800 बंदे अमृत छका देना जी। अगले साल फिर वो 700 to 800, अगले साल फिर 700 to 800। जब मैं वोट का पता किया कहते जी 1200 आ पिंड की वोट, मैं भी ये फिर रिजर्वा बहुत बद गया। कहते बाबा जी पिछले साल सकया दीगा ऐतक टुट गया, मैं कहा बोलो अमृत नहीं टुटता हों, बंदा अमृत ना टुट जाता है। तो वो फिर जब देखी भी उन्होंने काम है संत डम का भी बूटा लाता, जिम्मे अजक जापता चल रहा भी एक बूटा ला दो पानी पाओ या ना पाओ जी। पर साड़ी सोच कुछ होर है, असं जोड़ा बूटा लाने जिनी देर वो सौ देने दे काबल नहीं हों उन्नी देर वह खेड़ा नहीं छड़ते। ये ज्योदी जागती मिसाले बैठा, 4 महीने हो गए अमृत छकाए न, ये घर दूदे बच्चे 4 महीने दिन चूड़ा छका के आनंदपुर साहब की धरती तो लिया, तो हूँ इनू तैयार कर रहे हैं, रेहनी बहनी सिखा रहे हैं। जिनी देर तैयार नहीं हूँ उन्नी देर दूसरे दो एक दो पढ़ने नहीं गए। ये बाबा जी तुम कोई टीम तैयार की है भी चलो मैं एक पिंड जाके 10 बंद गुरु का सिख बनाया, तुम कोई उत्तर सरप्राइज विजिट भी करते हैं कि यह बंदा रैत बच्चे है या नहीं, कुरीति दौरा तो नहीं पै गया, कुछ यो जहा करते हैं? देखो ये गल मैं सहमत है भी अगर असी कोई खेती करते हैं तो सारे दाने हरे भी नहीं होंगे, बिल्कुल कुछ रह भी जाते हैं, पर जे अगर असी संभाल करिए जे अपना कुछ झाड़ निकले भी 70% भी हो जाए, 60% भी 50 तो उपर चले जाए, फिर भी असी बहुत चंगी जिंदगी समझ। फसल तो बचाने लिए बाबा जी बड़े बड़े पेस्टिसाइड आ, हूँ गुरबाणी तो बड़ा पेस्टिसाइड कि जी ये फसल है, जे फसल में बीजांगे तो ही खावे, जे असी गुरसिखी गां जन्म देवे तो आने वाले बच्चे साढ़े बचे रहेंगे, नशे तो नहीं बच नहीं सकते। तो एक बाबा जी हम तुम्हें पता ही है, जो मैं तुम्हें पिछली इंटरव्यू में पूछा सगा कि नशा बढ़ रहा, एक तो नशे नाल सानू तोड़िया जा रहा, दूसरा एक मुद्दा होर उठा हुआ कि खालिस्तान बनाना, तुसी उहदे नाल किन्ने सहमत हो कि खालिस्तान बन के पंजाब पंजाब रह जूगा या पंजाब की कोई तरक्की हो जूगी या पंजाब पहले नाल भी जांदा लगेगा? नहीं मैं तो पहली गल ये नहीं समझता भी खालिस्तान कहने किनू ने, बिल्कुल जी मैं तो यह कहना साडा खालसा ही खास नहीं, साडा हर बच्चा नशेड़ी आ ते खालिस्तान कित्थों बना लूंगे, और एक देश तो टुटना आसान आ और ओदा सानू की बेनीफिट होगा? असी एक चीज़ तो यह है, पहली तो असी महाराज की मत नाल गल करांगे भी जिहड़ी चीज़ किसी कोल है नहीं वो तो मंग किवें रहे हैं असी, जब धोती टोपी वाले कोल खालिस्तान की कोई निशानी होनी असी की लवेंगे उन्होंने, तो सानू दे भी की देणगे वो। दूजी रही गल असी खालिस्तान मंग कीते रहे, तीजी गल यह है भी सानू खालिस्तान मंगण की लोड़ नहीं, जे असी हर एक बच्चे अपने खालिस्तानी रूप च तैयार कर लीए, उदा के कारोबार करिए, उदा के साडे कर्म होने चाहिए ने। कम तो असं की करते, जो खालिस्तान मंगते हैं उन्होंने खुद घर च खालिस्तान का कोई पहरा नहीं है जी। अगर तुम जाके देखो जो रौला पाते हैं ना उन्होंने घर अपने घर च पूरी सिखी नहीं है उन्होंने जी, खालिस्तान मंगते ने रौला पवा रहे हैं, लड़ाइया करा रहे हैं, और पर इदू वा सा सब वोटा की राजनीति है जी, राजनीति है। तो देखो जी उन्होंने कहना यह है जी जो खालिस्तान बनूगा तो वोटा तो उत्थे भी होणगीया, वोटा तो होनी ही होनी है। चल हुण 20 दा आ रहा, बिल्कुल 20 दा आ रहा, देखो हुण की बन रहा, पर 4 सपेरों आवाजा आ रही ने पर साडी समझ तो बाहर आ, बनना उही है जो महाराज नूं मंजूर है। तो बाबा जी जिथे अपना डेरा है उत्थे कोई असी सिखी बच्चों लई कोई इहो जिहा स्कूल या इहो जिहा कोई
क्लासिस भी शुरू की जिसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि अज की डेट अगर किसी नॉर्मल भी कितने चले जाओ, अगर गुरुद्वारा साहब भी चलो, तो 100 में 99 बच्चों साढ़े शहीदों के नाम नहीं पता, साढ़े सिखा के 10 गुरुओं के नाम लाइनवाइज नहीं ले सकते, 5 प्यारियों के नाम नहीं ले सकते, गुरु साहब के 4 साहबजादे के नाम नहीं ले सकते, जिन्हों की कुरबानिया उपर असं इस वे ऐश करते पे हैं। ये बारे तुम की कहना चाहो, क्योंकि ये सब तो बड़ी जी खराबी आ माँ पे की आ, जब माँ पे ये चीज़ा नहीं याद हो तो बच्चे किमें कराएंगे। जोड़ा समा कहना टीवी ने साडा मोबाइल ने ज्यादा ले लिया, सगो सर इस चीज़ का तो बाबा जी फायदा आ, यूट्यूब के उपर सारा कुछ है, बट जो साढ़े अजकल के बच्चे आ चाहे माँ बाप आ गेम खेलन दे माँ ब्यूटी पार्लर या सौ के टाइम गवा लिया, इन्हें च बिजी ज्यादा आ। उ यही वजन करना चाहते थे भी जब माँ ने कम करना कहना कोई घर का बच्चे परेशान करते हैं, अगर टीवी ऑन करता तो उन्होंने कार्टून ला देने, अगर कोई अपना मोबाइल देता तो वह भी बच्चों वाली गेम। बाबा जी एस जी पी सी एक कार्ट, चलो आप गुरु साहब दे रूप के नहीं दिखा सकते ना कार्टून रूप दिखा सकते हैं, अस एक लाइट दिखा सकते हैं, बट जो साढ़े नलुआ जी हुए आ बंदा सिंह बहादुर जी हुए आ उन्होंने उपर असी फिल्मा तो बना लिया, फिल्मा चलिया खत्म हो गई, ठीक है जी, उन्होंने असी आप एक मॉडर्न रूप दिखा नहीं सकते, थोड़ी जागरूकता ही बधूगी या गेम के रूप बना दीए। गुरुआ तिकर जिम्मे भी गुरुआ तिकर आप सीमित है भी इन्हों आप नहीं दिखा सकते, पर जिड़िया फौजा ने उन्होंने रोल तो कर सकते हैं, महाराज रणजीत सिंह का। अजकल देखो बाबा जी पबजी का जमाना है, 6-6 बंदे मिल के पबजी खेलते हैं, तू साइड तो आ जा, इधर बंब आ गया, तेरा कार गिर गई उठा ला, ठीक है जी, असी उन्होंने अर वो इस तरह की गेम बनाई जाए, मुगलों नाल फाइट हो रही है कुछ हो रही है, ये बारे तुम एस जी पी सी साडे चैनल के थ्रू कुछ कहना चाहोगे? असी तो यही कहना चाहवांगे एस जी पी सी भी भाई गुरसिखी के सिद्धांत समझ के आने वाली पनीरी सांभो तुम भी बच्चों के, जे बचपन तो जिमें संतान पूछा सीगा भी बच्चे कदक तो सिखी वेला लाना चाहिए, तो संतों का जवाब थी, संतों का जवाब यह है भाई जन्म लैन तो 2 महीने पहला ना 2 साल पहला बच्चे गुरसिखी नाल जोड़ देना चाहिए, तो अगों जवाब है भी 2 साल पहला किमें जुड़ सकता, तो संतों ने जवाब दिता भी भाई जेडे भांडे च वस्तु तैयार होनी वह भांडा पहला साफ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने जिते जन्म लेना वह बीबी को पहला नाम जपना चाहिए कि वह भांडा साफ हो जाए, फिर आने वाली रिलेशन उदा दैयार हो। बाबा काली फूला सिंह वर्गिया दिया माता दिया जिहड़ियां उन्होंने इदा ही जन्म दिते ने, तो अज समा ही नहीं साढ़े को चीज़ों वास्ते, तो ये करके असी बहुत रुझेवें चाह अज गुरसिखियों से कदम तलाक नहीं देते, अच्छे साड़ी कौम के बहुत ज़्यादा वधे हुए हैं, ये सानू घाटा ने क्योंकि असं अपने विरसे तो पर आते जा रहे हैं तो लोगों दारा थले आ रहे हैं। बिल्कुल जी बताना गल करके बाबा जी बहुत अच्छा लगा जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह, बाबा जी फतेह जी।